वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज की ये वीडियो मैंने बनाई है सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है। सबसे पहले हम अपनी लीव को पेंट कर रहे हैं और इसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने ग्रीन कलर जो है नीचे के साइड दोनों पोर्शन में लगाया है, दोनों साइड। मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके की लीव आपको पेंट करके बताई है, तो आपको जो शेड अच्छा लगता है आप वो बना सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं जो शेड यूज़ किया मैंने वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो नीचे के साइड पर हम लगाएंगे ग्रीन कलर, आप कोई भी ग्रीन ले सकते हैं, लीव ग्रीन, सैप ग्रीन, मैंने इसमें लीव ग्रीन लिया है। और ऊपर से हम लगाएंगे वाइट कलर और एक बार दोनों को लगा के छोड़ेंगे। फिर नीचे की साइड से ऊपर की तरफ शेड करते हुए आएंगे और अगर बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया है तो हम ऊपर की साइड से ब्लेंड करते हुए नीचे चले जाएंगे तो वो लाइट हो जाएगा। और अगर हमारा बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है तो हम ग्रीन वाली साइड से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो शेड है बहुत ही अच्छे से मिक्स ब्लेंड हो जाता है। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ऊपर की साइड से जब मैं नीचे आ रही हूँ तो आपको दिख रहा है ज़्यादा लाइट हो रहा है तो हमें अभी लाइट चाहिए, और अगर हम नीचे की तरफ से ऊपर जब शेड करेंगे तो हमारा डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कहीं कहीं पे डार्क कलर लगाऊंगी, इससे जो हमारी लीव्स हैं या जो हमारी डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफाइन हो जाती हैं। इस लीव का शेप भी बहुत इजी है जिसको आप ड्रॉ ईज़िली कर सकते हैं, ज़्यादा टफ़ नहीं है। और पैटर्न मैंने ये बताया, अगर आपको ये वाला शेड थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने एक और रोज़ की पेंटिंग आपको बताई थी बिगनर्स क्लास में, जो मैंने आपके लिए बिगनर्स प्लेलिस्ट बनाई है, बिगनर्स कोर्स है, उसमें डिफरेंट शेड सिखाया है। तो उसमें जो मैंने आपको लीव शो की है आई थिंक क्लास 13 में ऐसा ही कुछ है, आप क्लास चेक कर लीजिएगा, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। उसमें आपको मैंने बताया एक साइड लाइट फिर दूसरी साइड डार्क फिर हाफ़ हाफ मैंने करके बताए, वो इससे इजी होती है क्योंकि मैंने लोगों को बताया है तो मैंने रियल लाइफ में देखा है कि वो वाली लोग इजीली सीख लेते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और अभी आपको शेड्स नहीं आते तो आप वो वाली शेडिंग यूज़ कर सकते हैं, और आपको अभी शेडिंग आती है तो आप ये आराम से सीख सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और बहुत ही अच्छी इसकी क्या ख़ासियत है कि ये बहुत ही फाइन आती है, इसका लुक जो है वो बहुत ही प्यारा आता है और इसको सीखा बहुत आसानी से जा सकता है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत टफ़ है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ शेड्स होते हैं जो इजीली बनते नहीं हैं, तो वो मुझे खुद भी पता है, तो उसमें मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन भी बहुत उससे करती हूँ और वो मुझे पता है, तो उसमें ये मैं नहीं बोलती कि बहुत ईजी है। हाँ, आपको प्रैक्टिस ये, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा। इसका लुक बहुत अच्छा आता है, आप कहीं भी आप इसको पेंट करके देखिएगा रियल लाइफ में, बहुत ही अच्छा दिखता है। ठीक है, फिर हम अब डाल रहे हैं इसमें नस। इसके लिए आपको मैं हमेशा बताती हूँ, आपको 0 नंबर या 1 नंबर का ब्रश रखना है हमेशा अपने पास। आप फ्लैट करते हैं, राउंड ब्रश यूज़ करते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि ये एक आपके पास मैजिक टूल की तरह है, ये आपको हर पेंटिंग में कहीं ना कहीं तो आपको इसकी नीड हो जाती है फिनिशिंग के लिए। ठीक है, अब मैं आपको रोज़ पेंट करके दिखा रही हूँ। देखिए इसके शेप्स कितने ही प्यारे आए हैं, मैंने एक बार में ड्रॉ किया ऐसे, मैं डिज़ाइन जल्दी से बना के, और ये इतना प्यारा एक बार में बन के तैयार हुआ कि आई जस्ट लव इट। आप इसको ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पेंट करके दिखाऊंगी। तो इसके जो पेटल हैं आप देखेंगे जैसे जैसे मैं पेंट करते जाऊंगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे और उसके शेप्स जो हैं आपको समझ आते जाएंगे, क्योंकि उसी तरीके से पेंट करते हैं। अभी मैंने ड्रॉ किया है तो मेरे दिमाग में है कि ये कैसा दिख रहा है, अब मैं उसी तरीके से उसको पेंट कर लूँगी और पेंट करने के बाद आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो हम वीडियो बहुत ही ध्यान से देखेंगे ताकि आप सीख भी सकें और इन्जॉय भी करें साथ में। ये तो मैंने बनाया है सिंगल रोज़। अगर आपको रोज़ की डिज़ाइन चाहिए, जैसे एक ही डिज़ाइन में डिफरेंट 2-3 रोज़ अटैच्ड हो या ऐसा कुछ भी, तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करें, उसमें मैंने बहुत सारी रोज़ की डिज़ाइन बताई है। ये वहाँ आपको इजी रोज़ मिल जाएंगे, एकदम इजी इजी जो जल्दी जल्दी से पेंट हो जाए, ड्रॉ हो जाए। और आपको कुछ एडवांस चाहिए, यूनिक चाहिए, कलर
सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने हर तरीके का रोज़ पेंट किया है, ईजी से लेके एडवांस, हार्ड, टफ, ईजी, जो भी आप जैसे कैटेगराइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। या और आपको अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने बताया है, कुछ मैंने डिफरेंट कलर रखे हैं एक ही डिज़ाइन में और कुछ मैंने सेम कलर रखे हैं, तो वहाँ पे आप जाके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, मुझे कमेंट पढ़ के बहुत ही खुशी होती है और नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप देख रहे हैं यहाँ तक मैंने पेंट किया है, तो अब हमारा जो रोज़ है हमें ऐसे लगने लगा है कि ये ऐसे खिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने शेड उस तरीके से किया है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ध्यान में रखना है, और आप जब भी पेंट करेंगे वीडियोस देखते हुए पेंट करें। आप ये जो डिज़ाइन है अभी सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाया है मैंने, तो आप इसको कहाँ बना सकते हैं? आप इसको डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, येस कर सकते हैं। आप अपने हैंगिंग पे अगर इसको छोटा करके बनाना चाहे बना सकते हैं, आप अपनी वॉल हैंगिंग पे, अगर आप फैब्रिक पे नहीं कर रहे हैं, अगर आपको फैब्रिक पे नहीं आता है या मतलब आपको किसी डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप अपने पिलो कवर पे बना सकते हैं, आप अपने सूट पे बना सकते हैं। तो ये नहीं है, डिज़ाइन जो भी मैं डिज़ाइन बनाती हूँ वो मल्टीपर्पज़ होती है कि आपको जहाँ बनाना है आप बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, उसको अरेंज कैसे करना है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आप क्या बनाएं, कैसे बनाएं। अब आप लोगों की नीड्स तो डिफरेंट डिफरेंट है, किसी को सूट बनाना है, किसी को दुपट्टे पे पेंट करना है, किसी को पिलो कवर, किसी को अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट देना है। तो आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप जानते हैं। डिज़ाइन मैंने बता दी, कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, यूज़ आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। मैंने ज़्यादातर रोज़ को पेंट कर लिया है, बस थोड़ी थोड़े से हमारे पेटल्स बचे हैं पेंट करने को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपका ओपिनियन क्या है। नेक्स्ट आपकी भी अगर कोई रिक्वेस्ट है, कोई फ्लावर है आप चाहते हैं मैं उसको पेंट करके दिखाऊँ, तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि बना दूँ। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अपना रोज़ पेंट कर लेंगे। मुझे तो इसका कंप्लीट लुक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। फाइनली हम टचअप्स देंगे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी फुल लुक इसका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियोज़ शेयर करें, ताकि वो भी फैब्रिक पेंटिंग सीख सकें। आपको इस चैनल पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बेडशीट, सूट पेंटिंग, दुपट्टा पेंटिंग एक्सेट्रा, पिलो कवर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उनको भी ज़रूर देखें। टेक केयर, बाय बाय।